तुम्हें एक शर्त है। क्या? क्योंकि तुम्हें वचन देने पड़ेंगे मुझे। वचन? हाँ। किस बात के? कि आपके लिए तीन वचन चाहिए पहले। कैसे वचन चाह रही है? शपथ। शपथ? शपथ, शपथ। किस बात की शपथ ले रही है? शपथ इस बात की ले रही है कि जो ये मांग लेगी हम कभी मुकर नहीं सकते, इसे देना पड़ेगा। देना पड़ेगा? हाँ, ठीक है। लाइए। क्या मांग रही है? दो चार काम मांग। जो इनसे टले वो नगर की सेवा करे। बताइए आपको क्या चाहिए। ठीक है, मैं मांगना चाहती हूँ, मगर एक शर्त हो रहा है आपसे। क्या? क्या मांगने से पहले तुम मुझे अपने दस्तूर कबूल करोगे? गलत कहती है सेन साहब। क्यों? अरे हम ये कह रही है दुख्तर, हिंदुओं में कहते हैं लड़की, मुसलमानों में कहते हैं दुख्तर। जी हम नाचने गाने वालियों को कैसे अपनी लड़की बना सकते हैं? कदाब नहीं होगा। मियां नवाज साहब, तुम नहीं जानते हम यहाँ के शहंशाह आलम हैं, आप हमारे वजीर हो, हमारे लिए सब बेटी और बेटा के समान हैं। इसलिए ठीक है, हम आज से आपके लिए अपनी दुख्तर यानी बेटी कबूल करते हैं। ठीक है शहंशाह आलम। हाँ बताइए। मैं मांगना चाहती हूँ, मांगने से पहले एक मेरा गाना होगा। सुनाइए कौन सा गाना? मेरा मुजरा होगा। सुनाइए कौन सा? और एक खासा, ये कुंवरपाल, ये हमारे इनके, ये जो है हमारे खान साहब इनके लिए दे रहे हैं दूध पीने के लिए। बार बार धन्यवाद। सलाम, इधर आइए। ये क्या कहना चाहती है? कहे इससे पहले मेरा कोई गाना होगा, सुन लो तो। कोई बात नहीं है, आखिरी समय है। जब तक मेरा मुजरा होगा जी, जब तक मुजरा होगा, मुजरे में बीच में बोलेगा नहीं कोई। कोई नहीं बोलेगा। अरे कोई बोलेगा तो लाला फांसी के तख्ते पे वही चढ़ेगा। कोई नहीं बोलेगा। कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, मैं सुनाती हूँ। देखिए, आपकी महफिल में कोई मेरा चोर है। चोर? हमारी महफिल में कोई चोर है? बोलवा साले को, चोर को, साले को जहाँ ये प्रतिशील टंग रहा है उसी रास्ते में पहुँचा दूंगा। कल देखा जाएगा। सुनिए बात से सलामत, मैं आपको बताती हूँ। अरे ओ दिल्ली वाले, तेरी महफिल में मेरा चोर। एक रोज जैसे रिखाए मेरे मका पे आया था, बिछिया के कारण गाना इसे सुनाया था। ये गलत कह रही है। क्यों? ये कह रही है कि एक रोज ये शेर खान, शेर खान मेरे दरबार में आया जी, महलों में आया जी, नाचने गाने वाली मेरे यहाँ पैसे की कमी है, है? मैं जिसके यहाँ जाता कभी भेजो उसका घर नहीं देखा। ये मैंने अभी तक कुछ नहीं कही है। बस सलामत, आगे सुनो। मैंने ये किया कि जब तक मेरा मुजरा नहीं होगा, जब तक कोई बोलेगा नहीं, शांत रहो। मैं गलत बोले मेरे मकान पे आया का निश्चिया के कारण गाना इसे सुनाया था। चलते चलते ये मुझसे कुछ रकम उधारी लाया था, उस दिन का आदसा हुआ ना इसने मुंह दिखलाया था। खड़ा है बदल के कैसे तो इन आंखों को फोड़ दूं, क्या करूं? पैसा बदल रहा है, खड़ा है बदल के कैसे तो। अरे ओ दिल्ली वाले, तेरी महफिल में मेरा चोर। चलते चलते ये मुझसे लाया था 20,000 रुपए, सर्वेस्ट आपका ना होता तो देती ना इसे 4 रुपए। अबे ठहर जाओ,
क्या कह रही है ये? जब आपको पैसे की जरूरत थी तो हम क्या मर गए थे? आप नाचने गाने वालियों से 20,000 रुपए लेकर आए? हुजूर ये गलत कह रही है, गलत कह रही है। इसका घर नहीं देखा, द्वार नहीं देखा, जान नहीं पहचानी। आगे क्या हुआ आगे सुनवाओ। चलते चलते ये मुझसे ला या ₹20,000 सर्वेश आपका ना होता तो देती ना इस ₹4। अगर जुबा से कहता है तो इसे साक्षी करवाओ, कुरा हाथ पे रखवा के कसम खुदा की खिलवाओ। साक्षी मेरे नटी बार नंदी किशोर, अरे ओ दिल्ली वाले तेरी मैं पीना मेरा चोर। ओ दिल्ली वाले नवाब साहब ये कह रही है कि अगर ये पैसे लेकर के नहीं आए हैं तो एक कुरान शरीफ है, हिंदुओं में रामायण होती है, मोमदनों में कुरान शरीफ होती है जी, इसे अपने हाथ पर रखकर 5 कदम मक्के मदीने की तरफ चलिए, कसम खाइए। अगर मैं इसके द्वार पे गया हूँ या पैसे लेने गया हूँ जी, लाओ। अगर आप कसम सांस में आज कहाँ है मैंने जानते मक्का मदीना काबा किधर है? काबा मक्का तो अभी अब 1600 रुपए किलो की है। मक्का की बात हो रही है? अरे मक्का मदीना यानी काबा वो किधर है साला? मैं तो जानता भी नहीं हूँ। अबे साले कैसा मुसलमान है, अबे कैसा मुसलमान है, जानता नहीं है? अच्छा ढाबा? ढाबा क्या, होटल बता, होटल। हुजूर मैंने इसको देखा नहीं आज तक, इसकी शक्ल ना देखी, अच्छा इसका द्वार नहीं देखा। अच्छा मैं कुरान शरीफ की कसम खा कर कहता हूँ मैं इसके कभी घर पे भी नहीं गया। अच्छा है? नहीं हुजूर ऐसा नहीं। और 5 कदम मैं मक्के की तरफ चलता हूँ, 1 2 3 4 5। हुजूर मैं काबे की तरफ हाथ उठा रहा हूँ, मैंने इसकी शक्ल न देखी, द्वार नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। हमें विश्वास आ गया नवाब साहब। आप बोलो। सुनो बेटी, हमारे नवाब साहब कहते कि मैं इसे नहीं जानता, अब हमें ये बताइए कि आप नवाब साहब से किस प्रकार से विश्वास करा सकती हैं, क्योंकि ये नहीं जानते आपके लिए। क्या कह रहे हैं? आपके लिए नहीं जानते। अभी कह रहे कि पैसे की बात चलिए, मैंने इसकी शक्ल नहीं देखी। जी हाँ, मेरी शक्ल नहीं देखी इन्होंने? नहीं, नहीं बेटे। ठीक है मेरी शक्ल नहीं देखी है, मगर इन्होंने किरण में की तो शक्ल देखी है। अरे साले साहब, अरे साले साहब इधर सुनो। हाँ बोल। आपने किरण मई को तो देखा ही है। भाई यार किरण मई को क्यों नहीं देखा हमने? वाह जब उसके साथ कह रहे थे दरबार में कि एक दिन में घोड़ा से गया था खप्पड़ 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 गए थे यार क्यों? तो आप ये बताइए पहचान सकते हो? क्यों नहीं यार, जब उसको हमने घर देखा द्वार देखा और आज हमने उसके साथ में मौज बहाल लूटी है तो क्यों नहीं देखा? कितनी औरतों पहचान लोगे? अरे हजारों औरतों में पहचान लूंगा किरण मई। सलामत। क्या हुजूर इसे इसको सामियो, मुझे लैटरिन लग रही है। ये बात सुनिए पहले, ये बात सलामत। अगर लैटरिन की बात हुई एक बार गलत बोल दिया कोई बात नहीं, दोबारा गलत बोल दिया कोई बात नहीं, अगर लैटरिन की बात करेगा साले चूतरों में खूंटा ठोक दो। खूंटा तो मुंह में निकल जाएगी। नहीं बता रहा हूँ। बस सलामत। ये कहते सुनो पहले, 10 और 10। अच्छा कहो बताइए ये क्या कह रहे हैं कि किरण मई को जानते हैं? जानते हैं जी हाँ। अगर ये किरण मई को जानते हैं हाँ। तो हम 3 औरतें हैं जी, 3 औरतों में किरण मई मौजूद है। अगर किरण मई के पास गए तो किरण मई का हाथ पकड़ के बता देगा ये किरण मई है। मेरा बाबा साहब खींच कह रहे बहन के रिश्तेदार, अबे इधर आ रिश्तेदार। ये कह रही है कि इन 3 औरतों में किरण मई है, अगर आपने हाथ पकड़ के बता दिया कि ये किरण मई है तो अभी सरे दरबार इसे फांसी, और अगर तुमने नहीं बताया तो ये समझ लेना कि सही शाम का वक्त हो रहा है, इस समय तो आपको कबर भी नहीं खुदेगी, भाई कबर भी सुबह को खुदेगी, तो भरे दरबार सब पब्लिक वालों के सामने रिश्तेदार तुम्हें फांसी होगी।
ही के सेंस आलम। ये समय वक्त आ रहा है, हंसना नहीं, आज ये समय आ रहा है जिस जगह ये प्रीति सिंह खड़ा है फांसी के तख्ते पे, उस तख्ते पे मुझे खड़ा होना पड़ता दिखे यार। तीनों को मेरे पास, ये तीनों को मेरे पास किया जाए, साइड में लगा जाए, पास सलामत ये क्या करें, इनके पास में खड़ी कर जाए। हम ये अगर इन किरण में ही है तो ये हाथ पकड़ के बताएंगे हम इनके पास। एक मिनट ठहर जा, ये तो इस लड़की को हमने अपनी दुख्तर समझ लिया। मैंने मारे बादशाह ने इसको तो दुख्तर कबूल कर लिया, अब रह गई है दो यार। किरण ये भैंसे ऊंची नीची साड़ी बन रही है, हो सकती है तो उल्ली वाली जो है जिसका चिलकना पजामा सा है, यही हो सकती है, है? हाँ ये। अरे हम तो तुम्हारे पास गए तो मैं पता नहीं, आप ही किरण मई है। चल भाभी मैं तो तेरी बहन, मैं किरण मई मेरा पति बोलिया अत्याचार मचाया तू, बिना सजा के बिना कथा के तख्तेदार चढ़ाया। मैं किरण मई मेरा पति बोलिया अत्याचार रचाया क्यों, बिना सजा के बिना कथा के तख्तेदार चढ़ाया क्यों। हिंदू पूजी तम सुन तू गौर, अरे ओ दिल्ली वाले तेरी मैं भिल में मेरा जो, ओ दिल्ली वाले सहसा प्रति सिंह। आज जब तक शेर खान का फैसला होगा तब तक यहाँ की सहनशाह हम आपके लिए बनाते हैं, क्यों जैसा शेर खान ने किया वैसा खुद भरेंगे। हुजूर आप मुझे हुक्म दे दीजिए, मैं साले सुअर का सर काट कर फेंक दूँ। नहीं हमारे यार हमने तो दुनिया एक हेकड़ी दिखाई नहीं थी, नहीं तू दिखा रहा है क्यों, मैं मरेंगे फिर जब हिसाब से मरेंगे हम, रिश्तेदार हम तो चलते हैं रिश्तेदार। एक बात बताओ, जितनी पब्लिक बैठी है ऐसे आदमी को मार दिया जाए छोड़ दिया जाए, अगर मार दिया जाए तो हल्ला मचा के ताली बजा दो, एक बार मार दो, मार दो। मेरे साथियों जरा ठहर जाओ, जरा ठहर जाओ, सेंस आलम सेंस बात। संजीव कुमार रसीलपुर क्लास है, ये 20 रुपए दूध पीने के लिए मेरे लिए दे रहे हैं, धन्यवाद। दो मिनट के लिए और बैठे, दो मिनट को सहनशाह की बात सुने। सहनशाह मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन और आखिरी वक्त है मेरा, ये बताइए भरे दरबार में जीत किसकी है। क्या कहा मियां, जीत? अरे जीत तो आप ही, ये बताइए ये शाम का वक्त है, ये बता दीजिए ये जीत किसकी है। जीत मेरी है। अरे नहीं प्रति सिंह, इसमें जीत शेर खान की है। क्यों शेर खान की जीत क्यों है, शेर खान स्वयं बतलाएंगे, बतलाओ प्रति सिंह। प्रति सिंह हाँ इधर आइए, हमें ये बताइए शाम का वक्त है, जीत किसकी है। जीत मेरी है। नहीं आप गलत कह रहे हैं। क्यों जीत मेरी है। कैसे बुलाया जाए सेंस आलम को। और ये कुमारपाल चचा ये फांसी के लिए 10 रुपए दे रहे, फांसी लगा दी जाए। ये धर्मपुर से फूलसी दूधिया जी ये किरणमई के लिए 10 रुपए दे रहे हैं, धन्यवाद। कहो तुम्हें समय याद होगा, जीत के लिए मैं बता रहा हूँ, जीत मेरी इसलिए है। इसलिए किसी समय की आप याद करिए, आपके शाही दरबार में जी एक रोज फकीर आए थे जी, आपके यहाँ 10,000 दीनार लेने के लिए जी, तो वो मना करके गए थे, कहे सेंस आलम हम 10,000 दीनार नहीं चाहिए। वो बता के ये गए थे कि सुबह सुबह या
तो सुबह से लेके शाम तक उसकी जीत ही जीत होती है। ये बताइए जी, आज वही समय है बुलाया जाए किरण मई के लिए जी। ये सूरज और मामा ठाकुर ये दोनों साहबान 20 रुपए दे रहे हैं, धन्यवाद। किरण मई के लिए पेश किया जाए मेरे सामने। किरण मई कहिए, सैन सालम आज ये तुम्हारा भरा दरबार है, आपके सामने ये पतवीरता औरत खड़ी है, देख लो मेरे लोगों ये भारत की रन है। ऐसी औरत आज हमारे भारत में कायम है, जीत मेरी है। आपके सामने पतवीरता औरत खड़ी है जिसने अपने पति को मरते मरते बचा दिया, इसलिए मेरी जीत है। मैंने आज शाम के वक्त पतवीरता औरत के दर्शन करा दिए। बहन मुझे माफ कर दिया जाए, फांसी के तख्ते पे चढ़वा दिया जाए। ऐसा सलामत कहो, तुमसे मैंने बचन लिए थे जी, के मैं मौके पे आके बचन मांगूंगी। मांगिए। आज मैं तुमसे बचन मांगना चाहती हूँ। क्या चाहिए? पहले बचन में मैंने अपने पति की फांसी मांग ली जी, दूसरे बचन में मैं अपने भैया की फांसी।